हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। फिर से आपका दोस्त, आपका छोटा भाई रौनक आपके साथ एक इंटरेस्टिंग और खास व्लॉग के साथ आ चुका है। आज हम आए हैं सुपौली दुर्गा स्थान। और आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। और हमारे चैनल भाई के ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर का बटन नीचे में सब्सक्राइब का आएगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सुपौली स्थान दुर्गा मंदिर है, आपको इसके अंदर का सीन दिखाएंगे कि कैसा है ये मंदिर। तो ये देखिए इनका एंट्री गेट। यहाँ पे मेला लगता है, यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार को मेला लगता है, यहाँ दोनों दिन मेला लगता है। और ये आपको अंदर का कुछ सीन दिखाइए, आप एंट्री गेट देख सकते हैं, यही था अंदर, हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो ये दुर्गा, यहाँ पे भोला बाबा का शिवलिंग है। और ये यहाँ पे पूरा ये देखिए माँ दुर्गा का मंदिर है। और यहाँ पे आपको उसके अंदर मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुर्गा मंदिर। बहुत डिमांड था आप लोग का कि मंदिर का वीडियो होना है। यहाँ पे बलि प्रदान पड़ता है। और थोड़ा आपको अंदर का कुछ सीन दिखाने का कोशिश करेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो अब यहाँ पे बहुत भक्त लोग आए हैं और दुर्गा माता का दर्शन करने के लिए, तो चलिए अभी हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आए हैं पूजा करने के लिए। तो ये बाबा हुए, तो बाबा अपना नाम बोले थे। मेरा नाम कुंदन है। आप यहाँ पे पूजा करते हैं? बिल्कुल। तो इस मंदिर के आप बारे में बताइए, मंदिर कैसे बना? मंदिर हम लोग के पूरे क्षेत्र के सहयोग से है, हम लोग अपना पूरा दान दिए इसमें। तब आप लोग के दान से मेरे और बाकी सहयोग से भी लोगों के सहयोग से। तो ये मंदिर के बारे ये मंदिर पूर्व काल का है, बरसों पुराना मंदिर है। हाँ, ये माता भगवती आपूर्ति है। हाँ, इनकी जो है महिमा अपरंपार है। जो भी यहाँ आते हैं उनके मनोरथ बिल्कुल पूर्ण हो जाते हैं। जो भी मन इच्छा, हाँ, जिनकी मनोकामना इच्छा हो किसी प्रकार का, पति पत्नी में विवाद हो चुका हो, किसी को बाल बच्चा नहीं होता हो, केस मुकदमा में फंसा हुआ हो, और अन्यत्र क्या नौकरी चाकरी के विषय में या जमीन जायदाद केस मुकदमा फंसी उसी हैं, तेन की जितने भी प्रकार के विपदाएँ हैं वे सारे पूर्ण हो जाते हैं इनके मनोकामना, इनकी मतलब की आराधना करने मात्र से। हाँ, पूरी हो जाती है बिल्कुल। ये भगवती माता है सुपौल मंदिर का। ये हम लोगों के ब्रह्मज्ञानी क्षेत्र में पढ़ते हैं। हाँ, यूट्यूब से है। हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल। अच्छा अच्छा, ये प्रसारण होगा? हाँ, प्रसारण होगा संध्या में। हाँ, हम लोग बहुवंशक परिवार हैं। हाँ, ठाकुर परिवार के। हाँ, हम लोग पता। हाँ, बड़ा सा परिवार है। हाँ, हम लोग बारम्बार जो है बारी बारी चेंज होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये माता भगवती का तस्वीर है, बगल जाओ जी। हाँ, थोड़ा सा इधर होइए। ये माता भगवती रहा हमारा। हाँ, ये जगदम्बा जगत जननी है। बगल हो जाइए थोड़ा सा, देखिए इनको देखने दीजिए। हेलो, बगल होइए भाई थोड़ा देर के लिए। हाँ, ऐसे सोमवार शुक्रवार को कुछ श्रद्धालु लोग आते जाते हैं। हाँ, हल्का हल्का मेला क्या लगेगा, थोड़ा होता है हल्का हल्का। लॉकडाउन के चलते डिस्टेंसिंग बना रहता है। मंदिर बंद नहीं हुआ था क्या? नहीं। हाँ, मंदिर लगभग ऐसे ही चलता था, लोगों का ही बंद हो गया था, लोगों का जाम बारा ही बंद था लॉकडाउन में बिल्कुल। कुछ लोग आते थे, मंदिर खुला था लेकिन लोगों का ही आना होता था। लोग हाँ, केवल हम लोग तो कुलदेवी है तो प्रत्येक दिन पूजा करते रहते हैं। हम लोग का वर्षों वर्ष से परंपरागत पुजारी हम लोग। ये हम लोग चौथा पुष्ट हैं पूजा करने वाले इस माँ का जी। अभी इससे अंदाजा लगा लीजिए 200 वर्षों के लगभग हो गया। 200 वर्ष हो गया अबाउट। हाँ, क्या क्या अंग्रेज जमाने में है, अंग्रेज का जमाना। हाँ हाँ हाँ, अंग्रेज जमाने से है ये मंदिर। ठीक है, तो हमारे इधर ही सदैव धार है इसी से इसका। हाँ, सारा इसी में कलश उलश भरा जाता है, इसी में विसर्जित होता है। प्रत्येक साल नव वर्ष दशहरा में। हाँ, नवमी को मेला लगाया जाता है यहाँ, और सब जगह दसवीं, यहाँ नवमी को मेला लगता है। हाँ, अष्टमी नवमी बलि प्रदान तो ऐसे इसके लिए सालों भर है। हाँ, मलमास में भी पूजा होता है, उसमें भी बलि प्रदान जी श्रद्धालु को चढ़ना हो, ये जैसे आते हैं तो उनका बहुत सारा मनोकामना पूर्ण हुआ तो बलि आके चढ़ा दिए। अगर किसी का बेटा मर रहा है और बच गया चढ़ेगा। हाँ हाँ, किसी का मान लीजिए जमीन उसका 5 बीघा क्या वाला हो जाएगा देंगे। हाँ, किसी का जमीन है, किसी का फांसी पर चढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो बार बार आएंगे नहीं। हाँ, आते हैं। तब तक लौट जाइए, दर्शन कर लेते, प्रसाद ले लेना, दर्शन कर। आइए, भोजन कीजिए पहले। भोजन कर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर दुर्गा माता। हाँ, घर भी है यहाँ पे भी। अच्छा ठीक है, ठीक है।
आप देखिए यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो अभी हम उधर जाते हैं। वहाँ पे कौन सा मंदिर है? माता विषहरी थान। तो चलिए आपको माता विषहरी थान दिखाते हैं। तो ये भैया हमको बहुत मदद किए वीडियो बनाने में। तो आप देख सकते हैं माता विषहरी थान यही है, और यहाँ पे आपरूपी है। हाँ आपरूपी, ये भी आपरूपी है। और देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे, और सब ये देखिए यहाँ पे पत्थर का शिवलिंग है, माथा का अकलेल का पेड़ है, फूल जो इसमें फूलता है, चारों तरफ से घिरा हुआ। और ये भी देखिए, और चारों तरफ देखिए मंदिर से घिरा हुआ है, बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है ये मंदिर आके। और भक्त लोग भी बहुत आए हैं, तो अच्छा, और सभी की मनोकामना यहाँ पे पूरी हो। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक भाई के ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो आपके लिए हम ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।